कोरोना को लेकर जनता के लिए कई सख्त नियम बनाने वाले सरकार के सरकारी कार्यालयों में खचाखच भीड़ नजर आ रही है। शहर के सेतु कार्यालय में हर दिन ऐसा नजारा दिखाई दे रहा है, जहां विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र बनाने वालों का हुजूम उमड़ा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ रही है। पति के साथ दुपहिया वाहन पर जा रही वृद्ध महिला का संतुलन बिगड़ने के कारण गिर गई। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक सरताज कॉलोनी बड़ा ताजबाग निवासी मुमताज बेगम नवाब अहमद बताई गई। राजुरा में बड़े पैमाने पर तेलंगाना से सप्लाई हुआ गांजा जब्त करने के बाद चंद्रपुर पुलिस ने नागपुर से चंद्रपुर सप्लाई की गई 49 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। यशोधरा नगर पुलिस ने परिसर में चल रहे सट्टापट्टी के अड्डे पर छापा मारकर एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि धंधा चलाने वाला मुख्य आरोपी फरार है। पकड़ा गया आरोपी कांजी हाउस चौक निवासी मारुति पूनम चंद बोकड़े बताया गया। नेशनल हाईवे 44 अर्थात नागपुर जबलपुर वाले हाईवे के निर्माण कार्य और विशेष रूप से कुरई घाटी पर चल रहे काम का केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 31 दिसंबर को प्रत्यक्ष निरीक्षण करने वाले हैं। आरटीएम नागपुर विश्वविद्यालय ने ठेकेदारी तत्व पर नियुक्त किए जाने वाले सहयोगी प्राध्यापकों को मानधन 24,000 रुपए ही रखने का निर्णय लिया है। इससे पहले अधिष्ठाताओं की बैठक में मानधन को बढ़ाकर 32,000 रुपए किया गया था, लेकिन कुछ ही दिनों में विश्वविद्यालय ने अपने ही निर्णय से यू टर्न ले लिया। नंदनवन थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति बीड़ी जलाते समय बुरी तरह झुलस गया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक पड़ोली नगर निवासी संदीप रमेश गणवीर बताए गए। जिले के अर्जुनी मुरगांव तहसील में एक शिक्षक ने अपने ही शाला की 9 वर्षीय नाबालिग छात्रा पर अत्याचार किया था। प्रकरण में कथित शिक्षक को जिला व अपर सत्र न्यायालय ने बरी कर दिया था, किंतु नागपुर हाईकोर्ट ने जिला न्यायालय के निर्णय को रद्द करते हुए आरोपी शिक्षक गोपाल नीलकंठ जनबंधु को 20 वर्ष का आजीवन कारावास व 1,08,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। बुधवार को इंग्लैंड से लौटे 28 वर्षीय युवक को पॉजिटिव होने के बाद मेडिकल में भर्ती किया गया था। नए स्ट्रेन की आशंका के चलते उसके नमूने पुणे की प्रयोगशाला में जांच के लिए भेज दिए गए हैं, लेकिन गुरुवार को दोबारा कोरोना जांच के दौरान वह निगेटिव पाया गया। वस्तु एवं सेवा कर विभाग में वर्षों से अधीक्षक के पद पर कार्यरत लगभग 900 लोगों को सहायक आयुक्त बनाया गया है। इस सूची में नागपुर के भी 4 अधीक्षकों को पदोन्नति दी गई है। नागपुर जोन में कार्यरत संजय थुल, के कामले, बीपी सुदामे और अनिल गोस्वामी अब सहायक आयुक्त के रूप में कार्य करेंगे।